हर स्टेट की एक अद्भुत कला है वहाँ पर, जो हम यहाँ पर ये जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं उनको दिखाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन कला है सिक्किम की, जिसको तंखा बोला जाता है, और ये हाथ से इसकी पेंटिंग की जाती है। वी आर आल्सो गिविंग अ चांस फॉर द फॉरेन गेस्ट टू एक्सपीरियंस UPI। मैं ब्रिगेडियर RK सिंह रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर से। जी, तो ये बताइए कि जो G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके लिए किस तरह का यहाँ पे खास लगाया गया जी, जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ हो? जी बिल्कुल, क्या स्पेशल है नॉर्थ ईस्ट का? ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक 8 स्टेट्स में बटा हुआ है, और हर स्टेट की एक अपनी एक पहचान है। एंड इसके बावजूद ताकि सब एक साथ वहाँ कैसे मिलजुल कर रहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड लिविंग है, ट्राइबल कल्चर है, लेकिन हर स्टेट की एक अद्भुत कला है वहाँ पर, जो हम यहाँ पर ये जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं उनको दिखाना चाहते हैं। और हमारा प्रयास ये भी है कि इस को हर स्टेट वाइज ना बट पूरे रीजन को एक तरह देखा जाए। उत्तर पूर्वी को फोकस में लाया गया है। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो फेशिया हैं, बाकी स्टेट्स का नाम लिखे हुए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आगे फोकस नॉर्थ ईस्ट लिखा गया है, तो ये एक अपने आप में एक अलग इसकी एक जगह बनाई गई है और इसका एक अलग पवेलियन है। अब मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा। जो ये सबसे पहला स्टेट हमारा सिक्किम का है, जो आप अगर देखें तो ये सामने जो ये बहुत ही उम्दा हाथ से बनी हुई ये तस्वीरें हैं, जिनको लेके दिखा सके कि क्या है आपके पास ये स्पेसिफिक जो इसको। जी हाँ, ये एक बहुत ही प्राचीन कला है सिक्किम की, जिसको तंखा बोला जाता है, और ये हाथ से इसकी पेंटिंग की जाती है। आप ये जो अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही बहुत महीन काम है, जो बहुत कम कलाकार इसको करते हैं। GI इस पर टैग भी है। एंड इसके साथ अगर हम आगे चलें तो हमारे दूसरे प्रांत हैं, इसके बाजू में अरुणाचल प्रदेश है। जो अरुणाचल के क्या खास है? अरुणाचल के वहाँ पर जो G20 के लिए हम जो लेके आए हैं, वो वहाँ के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम हैं। अगर आप ये देखें तो ये वहाँ का एक बहुत ही फेमस ब्लैंकेट है, जो याक पुल से बनाया जाता है, शिप पुल से बनाया जाता है, और ये बहुत महीन काम जो बैम्बू से किया जाता है, ये भी यहाँ का बहुत मशहूर है। सो ये एक ट्रेडिशनल स्टेट है। ये हॉर्नबिल की तस्वीर है, जो चिड़िया वहाँ का सिंबल है, और पूरे इनके जो कल्चर और हेरिटेज में इसका बराबर इस्तेमाल किया जाता है। माय नेम इज कश्यप बालकृष्णन। कश्यप बालकृष्णन जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका डेजिग्नेशन? जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, सेंट्रल ऑफिस। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, इसके जरिए क्या G20 के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनको क्या दिखाने का? तो वी आर मेनली शोइंग द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, एंड वी आर ऑल्सो गिविंग अ चांस फॉर द फॉरन गेस्ट टू एक्सपीरियंस UPI। सो गेस्ट हू कम हियर, दे विल बी परमिटेड टू ऑन बोर्ड ऑन टू UPI, एंड दे कैन यूज UPI एंड सी एंड एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू सी अदर मोड्स ऑफ पेमेंट, for example through a ring, through wallet, keychain, how they can make contactless payments using all these different devices. We are also giving a demonstration of how NRIs can pay bills of their dependents in India using BBPS, Bharat Bill Payment System. So through that, how they can make payments from abroad for NRIs.
So these products will be demonstrating here. We are also showing through our different videos how digital payments has increased over the last many years, the different products that are available in India. These things will be demonstrating here.